Hello, welcome to everyone at Gypsy Fire and Safety Academy. Here in front of you, Tejas Manohar Dabre, Fire Safety Trainer. Today we will discuss a topic called Dead Man Switch. Before discussing our topic, please press the bell icon button and subscribe on our channel for further more video updates. Our topic is Dead Man Switch. Dead Man Switch means आप समझो मौत का बटन. Means अगर ये मैंने बटन दबा दिया तो किसी इंसान की मौत भी हो सकती है. तो जैसे कि हम लोग ये एक इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन लाइन्स में बहुत सारे छोटे छोटे पावर टूल्स यूज करते हैं तो उसमें कंट्रोल स्विच बटन होते हैं ऑन ऑफ के. तो कोई बटन मैनुअली आता है, कोई बटन सेंसराइज आता है, कोई बटन पुश या प्रेस पे डिपेंड करता है. तो ये सब क्या होता है बटन से यूजेज. अगर आपने कोई बटन एक बार प्रेस कर दिया तो मशीन का एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. मशीन रुकेगा नहीं जब तक आप मैनुअली इस बटन को बंद नहीं करो. तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारे साइड पे बहुत सारे छोटे छोटे पावर टूल्स रहते हैं जैसे कि हैंड ग्राइंडर, कटर मशीन, चैनसॉ कटर मशीन्स एंड एनी अदर छोटे लिटिल बिट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो आपने मैनुअली किस बटन को दबा दिया, आप एक कुछ प्रोसेस हो, कुछ काट रहे हो या कुछ चीज़ के साथ ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो आपका बटन मैनुअली चालू रहेगा, आप उसको कटिंग कर रहे हो. तो समझो बाय चांस कुछ कंडीशंस, अगर आप बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी इंजरी हो गया, आपको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो क्या रहेगा, आप तो बेहोश होकर गिर जाओगे बट आपके जो हाथ में आपने मशीन जो पकड़ के रखी थी वो आपसे तो चालू ही रहेगी ना, वो कब बंद होगी, आप तो उसको मैनुअली बंद नहीं किए. डायरेक्टली वो मशीन जैसे आप गिरोगे वो जो चालू फॉर्म में मशीन है, ड्रिल मशीन रहेगा, कटर मशीन या ग्राइंडर मशीन, वो आपके बॉडी पे गिर सकता है जिसके वजह से आपको फिजिकली इंजरीज हो सकता है. मीन सोचो आप तो पहले ही इंजर हो चुके हो बाय कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल इमरजेंसी आप पे ऑलरेडी आ चुकी है और उसके दौरान जब भी ये मशीन आपके बॉडी पे गिरेगा तो आपकी जान को कितना नुकसान हो सकता है, आपकी शायद से मौत भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन में क्योंकि पूरा वो बॉडी फाड़ देगा अपना. तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक डेड मैन कंट्रोल स्विच बैठाते हैं. वो बटन कैसा एक्टिव करता है कि जब भी आप मशीन कोई भी यूज करोगे तो उसका बटन मैनुअली ऑन ऑफ नहीं होगा. जब तक आपके हाथ में फर्म ग्रिप रहेगा तब तक वो मशीन चलेगा. जैसे ही आपने ग्रिप छोड़ा वो मशीन बंद हो जाएगा. तो जैसे आपने ग्रिप छोड़ा वो मशीन बंद हो जाएगा तो क्या होएगा कि अगर उस सिचुएशन में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आता है, कुछ किसी को कोई बेहोश होता है तो मशीन ऑटोमेटिकली वहाँ पे वर्क प्रोसेस करना बंद कर देगा. इसके वजह से हम लोग इंजरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं. और एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ इसका डेड मैन कंट्रोल स्विच का बटन का. तो लोकल ट्रेन्स जो चलती है रेलवेज में तो वहाँ पे भी ये कंट्रोल स्विच लगा जाता है क्योंकि एक ट्रेन को एक मोटरमैन चलाता है. तो समझो मोटरमैन तो पर्सन ही है, उसको भी शायद से कुछ मेडिकल इमरजेंसी इंजरीज हो सकता है या मेडिकल इमरजेंसी कुछ उसके ऊपर आ सकता है. तो जब भी एक मोटरमैन एक अपने पैडल को खींच चलाता है तो वो कंटिन्यूस अपने पैडल को पकड़ के रखता है. ये क्यों ऐसा उन्होंने किया है पैडल में डेड मैन कंट्रोल स्विच, क्योंकि इसके पहले कुछ हादसे ऐसे हुए कि कोई मोटरमैन्स ट्रैवलिंग के दौरान या गाड़ी चलाने के दौरान उनका हार्ट अटैक से आया है, कोई अनकॉन्शियस हो गया, उसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट क्रिएट हुए क्योंकि वो अकेला इंसान गाड़ी नहीं चलाता, उसके पीछे सैकड़ों प्रवासी ट्रैवल कर रहे थे. तो सबकी जान को खतरा ना हो इसलिए उन लोगों ने एक डेड मैन स्विच कंट्रोल करके ये इन्विशन किया कि जब तक वो मोटरमैन पैडल पकड़ के रखेगा तब तक ये गाड़ी बरोबर चलेगी. जैसे उसका हाथ वहाँ से छूटा, ग्रिप छूटा, तो गाड़ी इमिडिएटली स्लो होके एक टाइम पे रुक जाएगी. फॉर फर्दर मोर वीडियो अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल, बी सेफ बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर.